नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। इस वीडियो में हम लोग सामान्य ज्ञान के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे जो कि आपके खंड शिक्षा अधिकारी एग्ज़ाम या किसी भी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी दबा लें ताकि आने वाले टाइम में आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो गाइस, आज के सेशन में पहला क्वेश्चन बनता है, ड्यूस शब्द निम्नलिखित में से किन खेलों से संबंधित है। ऑप्शन बी हो जाएगा बैडमिंटन एवं टेनिस। अगला है आंत्र ज्वर, टाइफाइड जिसे कहते हैं, के लिए सामान्यतः उपयोग की जाने वाली औषधि का नाम क्या है। ऑप्शन डी हो जाएगा क्लोरोमाइसिटिन। नेक्स्ट है, जिस प्रणाली के अंतर्गत सरकार कोषागार भी पत्रों के आधार पर ही नोट निकाल देती है, उनके पीछे स्वर्ण या अन्य मूलवान धातु कोष में रखने की परंपरा नहीं है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, उस प्रणाली को कोषागार विपत्र प्रणाली के नाम से पुकारते हैं। अगला है, निम्न में से किनका निर्माण पवन अपर्दन से नहीं होता है। ऑप्शन डी वर्खान। निम्न में से कौन सी जलवायु दक्षिणी गोलार्ध में नहीं पाई जाती है। ऑप्शन डी टुंड्रा। नेक्स्ट आपका बनता है, सूची एक को सूची टू से सुमेलित करना है कोट के माध्यम से। तो गाइस, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी वाला, थोड़ा सा छोटा करते हैं और ऊपर करते हैं, ऑप्शन सी। तो देखिए दोस्तों, दूसरी अनुसूची का संबंध किससे होगा, चौथे वाले से, मतलब राष्ट्रपति का वेतन। और तीसरी अनुसूची का संबंध किससे होगा, ये हो जाएगा पहले वाले से, विभिन्न पदों के लिए पदाधारियों के लिए शपथ या प्रतिज्ञान। फिर है चौथी अनुसूची, इसका हो जाएगा दूसरे से, विभिन्न राज्यों के लिए राज्यसभा स्थानों के वितरण का वर्णन। और डी है पांचवी अनुसूची, इसका हो जाएगा तीसरे से, अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण विवरण। अगला क्वेश्चन आपका गाइस बनता है, ईपीजेड का पूर्ण रूप क्या है। ईपीजेड का पूर्ण रूप होता है ऑप्शन बी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन। नेक्स्ट, भारत के आयात निर्यात के आंकड़ों को संकलित करने वाला संगठन है। ऑप्शन सी DGCI एंड एस। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन कानूनी आदेश पत्र जारी कर सकता है। इसका हो जाएगा ऑप्शन सी उच्चतम न्यायालय। अगला है मैग्ना कार्टा है, तो मैग्ना कार्टा क्या है। ऑप्शन डी राजा की शक्तियों को नियंत्रित करने वाला ऐतिहासिक दस्तावेज। अगला है, निम्नलिखित को सुमेल कीजिए कोट के माध्यम से। ऑप्शन बी हो जाएगा, पहला देखिए बिरजू महाराज, इसका हो जाएगा दूसरे से कथक। फिर है यामिनी कृष्णामूर्ति, इसका हो जाएगा तीसरे से भरतनाट्यम। फिर है बाला सरस्वती, इसका हो जाएगा चौथे से कुचिपुड़ी। फिर है संयुक्ता पाणिग्रही, इसका हो जाएगा पहले से ओडिसी। जल की स्थायी कठोरता दूर करने के लिए यह विधि नहीं अपनाई जा सकती। ऑप्शन डी उबालना। निम्न में से कौन सी अनुसूची अपने विषय से सही सुमेलित नहीं है, कोट के माध्यम से बताना है। ऑप्शन बी दूसरी और तीसरी, दूसरी आठवीं अनुसूची, तीन सूचियां, फिर सातवीं अनुसूची भाषाएं, ये सुमेलित नहीं है, बाकी के जो हैं वो सुमेलित हैं। जैसे कि प्रथम अनुसूची, इसमें क्या आता है, संघ व राज्यों के क्षेत्र। और छठी अनुसूची में क्या आता है, असम मेघालय और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्र। अगला क्वेश्चन आपका बनता है, रोशनी वाली सजावटों तथा विज्ञापनों में निम्नलिखित गैस का उपयोग विसर्जन नलिका डिस्चार्ज ट्यूब में होता है। तो गैस इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन बी नियॉन। निम्नलिखित में से कौन सा एक देश भूमध्य रेखीय कटिबंध में नहीं है। ऑप्शन सी लिचटेंस्टाइन। अगला, ऋतु संबंधी विभिन्नताएं अधिकतर होती हैं। ऑप्शन सी मध्य अक्षांशों में। अगला है, भारतीय संविधान के अनुसार
निम्नलिखित में से कौन युद्ध की घोषणा करने अथवा शांति की स्थापना करने के लिए वैधानिक रूप से सक्षम है? ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। अगला है, सेमियोटिक्स शब्द का क्या अर्थ है? ऑप्शन सी, निशानों और संकेतों का अध्ययन तथा उपभोक्ता के व्यवहार पर उनका प्रभाव। अगला है, निम्नलिखित में से किस किस ने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था? कोड के माध्यम से बताना है। ऑप्शन बी, पहला, दूसरा और चौथा। पहला है बारहा वेंकट गिरी और दूसरा है एम हिदायतुल्ला और चौथा है बी डी जत्ती। नेक्स्ट है, निम्नलिखित राज्यों का सुमेलन उनकी राजधानियों के साथ कीजिए कोड के माध्यम से। गाइस, इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। पहला है नागालैंड, नागालैंड का हो जाएगा तीसरे से कोहिमा, फिर छत्तीसगढ़, इसका हो जाएगा रायपुर, फिर उत्तराखंड, इसका हो जाएगा देहरादून, फिर मणिपुर, इसकी हो जाएगी इम्फाल। गाइस देखिए, अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से किस विकल्प का नेसिट के साथ निकट का संबंध है? ऑप्शन डी हो जाएगा इसराइल। अगला है, सूची एक को सूची टू से सम्मिलित करना है। सूची एक में क्या है? राज्य है और सूची टू में राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है और आपको कोड के माध्यम से मिलान करना है। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। पहला देखिए उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश का हो जाएगा चौथे वाले से 31, फिर है बिहार, बिहार का हो जाएगा पहले से 16, फिर है आंध्र प्रदेश, इसका हो जाएगा दूसरे से 18, फिर है महाराष्ट्र, इसका हो जाएगा तीसरे से 19। अगला है, सूची एक को सूची टू से सम्मिलित कीजिए कोड के माध्यम से, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। देखिए पहला है बिंबिसार, बिंबिसार का क्या हो जाएगा दूसरे से मौर्य वंश, फिर बिंदुसार, बिंदुसार का हो जाएगा तीसरे से हर्यक वंश, फिर कालाशोक, इसका हो जाएगा पहले से नंद वंश, फिर देखिए दोस्तों, फिर आता है लास्ट वाला महापद्म नंद, तो महापद्म नंद का जो हो जाएगा वो हो जाएगा चौथे से शिशुनाग वंश। अगला है, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु किस प्रकार हुई थी? तो इनकी जो मृत्यु हुई थी ऑप्शन सी, घोड़े से गिरकर हुई थी। अगला है, महात्मा गांधी की हत्या किस दिन हुई थी? तो ये हुई थी ऑप्शन सी, 30 जनवरी 1948। उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में निम्न में से किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चीन तुल्य पाई जाती है। नेक्स्ट है, BHC 10% का व्यापारिक नाम क्या है? इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, कैपटॉन। अगला क्वेश्चन है आपका, स्वर्ण अथवा चांदी की मुद्राओं का पारस्परिक अनुपात सरकार द्वारा उनकी धातु शुद्धता के अनुसार घोषित किया जाता है, परंतु कभी कभी किसी एक धातु का बाजार मूल्य बढ़ जाता है, ऐसी स्थिति में उस धातु के सिक्के क्या क्या होता है? ऑप्शन ए, वास्तविक मूल भी ऊंचा हो जाएगा। नेक्स्ट है, चंद्रा चित्रा कौशल किस फसल की प्रमुख किस्में हैं? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, मूंगफली। नेक्स्ट है, रिवर्स स्विंग एवं बीमर नामक शब्दावलियाँ किस खेल से संबंधित हैं? ऑप्शन सी, क्रिकेट। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी मुंशी प्रेमचंद की रचना नहीं है? ऑप्शन ए, प्रिय प्रवास। नेक्स्ट है, कागजी सोना पेपर गोल्ड का संबंध किससे है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के विशेष आहरण अधिकार से। अगला क्वेश्चन आपका बनता है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यह पंक्ति किस प्राचीन संस्कृत ग्रंथ से उद्धृत की गई है? इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, मनुस्मृति। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कथन मौलिक अधिकार और नीति निदेशक सिद्धांत के मध्य अंतर की ओर संकेत नहीं करते? कोड के माध्यम से आपको बताना है। देखिए ऑप्शन सी हो जाएगा तीसरा और चौथा। तीसरा क्या कहता है? मौलिक अधिकार प्रारंभिक संविधान में शामिल थे, जबकि नीति निदेशक सिद्धांतों को प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। और चौथा कहता है, मौलिक अधिकार संशोधनीय हैं
जबकि नीति निदेशक तत्व नहीं। अगला सूची को सूची टू से सुमेल करना है कोड के माध्यम से। ऑप्शन सी, पहला है बीहू, इसका हो जाएगा तीसरे से। असम, फिर है बाउल, इसका हो जाएगा पहले से। पश्चिम बंगाल, फिर है लाबनी, इसका गाइस हो जाएगा महाराष्ट्र। फिर है छाऊ, छाऊ का हो जाएगा दूसरे से झारखंड। अगला क्वेश्चन आपका है, किस समिति ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कृषि के बीच के भेद को हटाते हुए कृषि और समृद्ध गतिविधियों का क्षेत्र प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के भीतर सम्मिश्रित क्षेत्र होने की अनुशंसा की? तो ऑप्शन सी, एम बी नायर समिति। अगला है लिबोर क्या है, तो लिबोर क्या होता है? ऑप्शन ए, ब्याज की दर होती है। नेक्स्ट, भारत में सरकारी व्यय के ऊपर संसदीय नियंत्रण का माध्यम है? ऑप्शन ए, लोक लेखा समिति। अगला, संसद द्वारा पारित कानून न्यायपालिका द्वारा अधिकारित नहीं घोषित किया जा सकता है? ऑप्शन डी, यूनाइटेड किंगडम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिल्वर हेलाइट का उपयोग फोटोग्राफिक प्लेटों में होता है क्योंकि वे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रकाश में आसानी से अपचयित हो जाते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को सही रूप में अखिल भारतीय सेवाओं का जन्मदाता कहा जाता है? ऑप्शन डी, वल्लभ भाई पटेल को। अगला क्वेश्चन है, संसद के पास पूरक अनुदान के लिए संपर्क करने के लिए उसके समक्ष वास्तविक व्यय रखना पड़ता है पिछले? ऑप्शन सी, 12 महीने का। वित्त विधेयक मूर्त रूप देता है? ऑप्शन बी, कर प्रस्तावों को। प्लेटो के अनुसार एक आदर्श राज्य की जनसंख्या है? ऑप्शन ए, 5040। अनुच्छेद 267 के अंतर्गत भारतीय संविधान ने बनाई है? ऑप्शन बी, आकस्मिक निधि। निम्नलिखित में से कौन सा एक विकास प्रशासन का केंद्र बिंदु नहीं है? ऑप्शन ए, केंद्रीकृत निर्णयन। और आज का लास्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रिज्मीय समाज की विशेषता नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आरोपण। तो गाइस, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।